आदाब नमस्ते, मैं साइंस 24 से जुड़े चंदा। साइंस 24 में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हर जगह सिर्फ शोलापुर नहीं, हर स्टेट में हमारा सर्वे होता है। जैसे कि आज शोलापुर में हम एक ऐसा मामला आपके सामने ला रहे हैं जो अपने एक इंसान ऐसा इंसान जो अपने पैसों में घमंड करता है और अपने पैसे की जोर पे गरीब लोगों को अपने वर्कर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, अपने पैसे का रोह दिखा रहा है। आइए, एक मसला है शकील कोरबो, उनसे हम मुलाकात करते हैं। क्या मसला है, क्या नाम है आपका? क्या मामला है आपको? आपके जो ओनर है, जो आपके मालिक है, उससे आप बहुत परेशान हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? किसके पास आपके मालक का नाम? सुबोध बोटोरा। इनका क्या है काम, क्या है कारखाना? कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का दुकान है। वहाँ मैनेजर है। आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आईडी है बताइए। आप देख सकते हैं ये इनकी आईडी है। एक कपड़ों की दुकान में ये मैनेजर थे। कितने साल से इनके पास आप? पिछले 23 साल से है, लेकिन हर 2-3 साल में वो ब्रेक देता है। दो तीन साल में ब्रेक देता है। तो अभी क्या मामला हुआ कि आपका? अभी जैसा है, मैं नवंबर महीने में 26 तारीख को सोलापुर आया था। हाँ, मेरी बीवी का, और उसने ही बुला लिया था मेरे को। नहीं, आप 23 साल से काम कर रहे, फिर नवंबर में आया, ये क्या मतलब? नहीं, 3 साल से सांगली में था। 3 साल से सांगली में थे आप? अच्छा, लॉकडाउन भी उधर ही निकला। हाँ, फिर उसके बाद उसने ही मैसेज करके मेरे को बुलाया कि आओ, तुम्हारे फैमिली को शिफ्ट करना है सांगली। हाँ, तुम्हारे से बात करना है। अच्छा, फिर उसने मेरे को मैसेज किया। हाँ, मैसेज भी है मेरे पास। ठीक है, तो मैसेज करने के बाद मैं 28 नवंबर को सोलापुर आया। अच्छा, जैसे ही आया, एक दिन मुक्कम किया, सवेरे उधर दुकान पर चला गया। अच्छा, सेठ को बताया, सेठ ऐसा ऐसा है, मेरी बीवी का 2 महीने प्रेगनेंट है, अभी 2 महीने में डिलीवरी है, मैंने 2 महीने नहीं जा सकता। हाँ, तो उसने एक चिट्ठी पर मेरे को लिख के दिया सर। अच्छा, तेरे को इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। मैं 2 महीने नहीं जाता बोलने के बाद मेरे को ठीक है जा बोला। फिर मैं पगार बोनस का पूछा तो मेरे को तो मिल जाएगा बोल के बोला। फिर मैं घर निकल के आया, घर नहीं निकल के आने के बाद इसको एडमिट करे उस तभी 23 दिसंबर को। फिर मैंने उसको कॉल किया, सर मेरा पेमेंट और इसका, मैंने तेरा पेमेंट डाल दिया है और तेरे को बोनस क्या नहीं मिलने वाला। मैं बोला किस वजह से नहीं मिलने वाला, मैं तेरे को काम पर से निकाला है और तेरे को बोनस वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, बोनस और दूसरे लोगों को मिला है? बाकी सब लोगों को मिला। सो आपको नहीं मिला? सिर्फ मेरे को मिला। ये क्या वजह, आपने पूछा नहीं उनको? ये जाती ही कर रहा है ना मेरे को। मैं 2 महीने नहीं जाता बोला बोल के मेरे पर एक दबाव डालने की कोशिश की है, मैं जाना। जबकि 23 साल से शकील कोरबो उनके पास काम करते हैं और इनका हक बनता है काम करते है। हर वर्कर का, हर कामगार का हक होता है कि उसकी पगार, उसका बोनस, उसका हक होता है। उसके बावजूद भी इनको बोनस ऐसी कंडीशन में, जबकि उन्होंने उनको बताया था कि मेरे घर में डिलीवरी का मसला है, प्रेगनेंसी का मसला है और मुझे पैसे लगने वाले हैं, उन्होंने उनको उम्मीद दिलाया, चिट्ठी लिख के दिया कि वो मैं दूंगा, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिए। फिर आप वो हॉस्पिटल का मामला कैसा आपने अरेंज किया? ब्याज से पैसे निकाल के अरेंज किया। ब्याज से अभी गरीब लोगों के पास पर्याय क्या है उसका? वैसे कितने टक्के से निकाले आप? 10% से पैसे निकाले। आपकी ताकत है, एफियत है और 10% भरने के लिए? दवाखाने में छोड़ दूँ मरने के लिए। एक नज़र आप देख सकते हैं, इनका घर देख सकते हैं आप, ये आपका खुद का घर है। चलिए, इनका खुद का घर है, ये घर देख सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अपना घर चला रहे हैं जहाँ पर इनको बोनस नहीं मिलने की वजह से ये 10% इंटरेस्ट से पैसे निकाल के जो अपना जो मामला अरेंज करे हैं। तो आपका नाम? अच्छा जी, आप ये पता है कि वहाँ काम करते थे, उनको बोनस मिलने वाला था, आपके कान पे कोई बात थी? मैं बात की थी उस सेठ से, तो बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और कुछ मेरा उसका है, तुम कुछ बोलो मत, टेंशन भी मत लो, 2 महीने में ब्रेक दिया उसको। बोलता ठीक है, बात करता मैं ऐसा बोल के, मेरे को मैं फ़ोन की तो बात टाल दी। फिर बाद में से कुछ नहीं बोले, ऐसा उम्मीद दिलाते फिर भरोसा तोड़ते, फिर 6-6 महीने घर में बटाते, बच्चे कैसा करने का, 4-4 बच्चे है, भेजते होते दूर दूर लॉकडाउन में, फिर ऐसा बोलते कि उधर शिफ्ट होना है, ऐसा बोल के फिर बाद में से क्या फ़ोन क्या बोलते कि उधर कामगार लोग, फिर शकील ऐसा किया, शकील वैसा किया, शकील पूड़ी खाता बोलते, फिर वो काम पे से निकाल के फटाते सो। अभी मामला उन्होंने आपके ऊपर केस किया, बोनस तो दिया नहीं? बोनस नहीं दिया और उल्टा मेरे पर ही केस किया, झूठे। फिर वो कामगार लोग कुछ भी बोलते हैं वो सुन के इनके ऊपर ऐसा करते हैं, अभी दूसरी बार ये केस करना उनका, फिर क्यों केस करते, क्या उनका चोरी किए, क्या कुछ हम उनका खाए, अच्छा ईमानदारी से कर रहे ना। जब भी बोनस की बात आती है तो कंप्लेंट करते हैं? कंप्लेंट इस, ये दूसरी बार है उनका कंप्लेंट करना, तो जाके उनको डायरेक्टली बात करना सोची थी मैं, तो अभी जान दे बोलेंगे उन्हें केस करो ना, अपन भी देखेंगे बोलने की वजह से चुप। कौन सी पुलिस चौकी में केस हुआ है? थोड़ी में। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं और एक बात क्लियर करता हूँ, जो शकील कोरबो 7 News 24 जो आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके रिपोर्टर हैं। आपके आईडी कहाँ है? नाम मंदिर का। जैसे कि 7 News 24
के रिपोर्टर है और 7 is 24 जैसे कि एक रिपोर्टर है जो संविधान में चौथा मान है रिपोर्टर का, ऐसे इंसान को ऐसी तकलीफ होती तो आम इंसान को कैसी तकलीफ हो रही होगी। तो फौजा चौड़ी में आपने कंप्लेंट करने के, तो आपने क्रॉस कंप्लेंट किया? नहीं, मेरा कंप्लेंट ही लिया है। मेरे को मीठा बोल के प्रकरण मेरे ऊपर केस था। कौन से साहब वहाँ पर कौन थे? राजेंद्र भैरव बोल के साहब। जी राजेंद्र भैरव साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका आपको वर्क है, आपकी ड्यूटी है कि दोनों जगह की आप कंप्लेंट लिए, क्रॉस कंप्लेंट लो, इनकी भी कंप्लेंट लो, उनकी भी कंप्लेंट करो, जो गुनाहगार है उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। आप उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेंट किया, उन्होंने दर्ज किया, आपका कंप्लेंट नहीं लिया? नहीं लिया। क्या वजह है, क्या नाम बोले साहब का? राजेंद्र भैरव। राजेंद्र सर, हम आपसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि शकील कोरबो की आपने कंप्लेंट नहीं ली, जबकि वो उनके बोनस के हकदार है, उनके बोनस के हकदार है, आप उनकी कंप्लेंट नहीं ली और उनकी कंप्लेंट आपने ली है? जैसे कि मैं खुद भी उस वक्त हम गए थे, हम पूरी टीम के साथ हम गए थे, मैं आया था उस वक्त जब साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, तो सिर्फ शकील कोरबो को अंदर बुलाए, बोले कुछ नहीं नॉमिनल कोई बात है, सिग्नेचर लेके भेजना है। फिर बाद में 2 दिन के बाद अभी पता चला कि उनके ऊपर केस किया कर दिया गया है। तो जैसे कि काम सर, मैंने एक मेरे पास एक न्यूज़ है, आपको बताऊंगा मैं कि हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक उल्लेख दिया था पेपर में, अगर पत्रकार को कोई धमकाता है तो उसे 50,000 जुर्माना और 24 घंटे के अंदर उसे अटैक करते हैं। या तो ओपन में केस किया जा रहा है जबकि उसने अपना हक मांग रहा है कि मैंने काम किया है, मुझे बोनस चाहिए। नहीं, मैं बोली थी सेट को, मैं उनकी कुछ गलती रहेंगी तो मैं समझाऊंगी, तुम ऐसा कुछ मत करो बोले तो भी वो क्रॉस कंप्लीट करे। बोनस मांगना तो उसके ऊपर कंप्लीट करना, ये कहाँ की इंसाफ है? हम आपके मालिक का नाम सुबोध भूसरा, सुबोध भूसरा से भी हम ये सवाल करते हैं और इनके हमारे फौजा चौड़ी की जो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम से भी हम सवाल करते हैं कि इनका कसूर क्या है, बोनस मांगना क्या कसूर है इनका? हमें लॉकडाउन में भेज के भी वो हर साल तो करते तो करते छोड़ो, ऐसे लॉकडाउन में उधर भेज के भी ऐसा करेगा तो उनको और उन्हें कंप्लेंट करते बोले तो फिर हम भी करने वाले हैं ना उनके ऊपर कंप्लेंट। जैसे कि फौजा चौड़ी के साहब, उन्होंने आप उनका कंप्लेंट लिया, आप इनकी भी कंप्लेंट लेना, आपको लेना होगा, आपका ड्यूटी है, आपका वर्क है कि कोई भी जो परेशान बंदा आपके पास आता है तो उनकी कंप्लेंट आपको दर्ज करना आपकी ड्यूटी है। अगर आप कंप्लेंट नहीं लेंगे तो हम यहाँ से आगे कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी, अपना वर्क कीजिए, जो इंसान परेशान है उसका हेल्प कीजिए, जो बंदा गुनाहगार है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। 7 is 24 से मैं जुनेद चंदा।